वेलकम बैक व्यूअर्स, हम शुरू करते हैं। काशी भाई एक जबरदस्त मिसाल देना चाह रहे थे कि कल 99 के ऊपर जब नहीं तो उसके समय बंदर के हाथ में नारियल वाली बात है ना। नहीं नहीं, ये तो मिसाल नहीं दी थी आपने। आप कॉल आप ले लें मैं अब क्या हुआ बात करें, आप कॉल ले लें। नहीं, हम जो बहुत ही भड़के में, दैट वाज वेरी फनी, वी विल डू इट ऑन फेसबुक। ओके व्यूअर्स, प्लीज अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं, क्वेश्चन शेयर करें, गो अहेड प्लीज। हेलो जी, जी हेलो जी, बात करें। अस्सलाम वालेकुम, फारूक खान जी लॉस एंजलिस से। जी फारूक भाई बात करें प्लीज, आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी, दो चीज़ें, एक तो हमारे भाई साहब जैसे उन्होंने जिक्र किया कि शोएब मकसूद जिनकी एवरेज 13 है और फैशन में वो इतने हैं कि वो कॉलर ऊपर करके बैटिंग करने आते हैं और बैटिंग करनी नहीं आती उन्हें, स्ट्रोक्स ही इज नॉट अ स्ट्रोक प्लेयर, वो कोई स्ट्रोक बना ही नहीं सकते। वो हर हमारे जो एक्चुअली वीकनेस ये है बैट्समैन की कि पहले चार जो बैट्समैन है हमारे वो इंतजार में ही रहते हैं कि कोई ऐसी लूज बॉल आए तो उसको वो शॉट मारे, वो बॉल शॉट क्रिएट ही नहीं कर सकते, टेक्निक ही नहीं है कि जिसको वो क्रिएट करनी नहीं आती। इसलिए इनको हमारी टीम को टेक्निकली वीकनेस ये है कि इनके पास एक बहुत अच्छा कोच होना चाहिए, जैसे रिकी पॉन्टिंग है जो आजकल की क्रिकेट को जानता है, जो इनको सिखाए कि लॉफ्टी शॉट्स कैसे मारते हैं, पावर प्ले का यूज कैसे करते हैं। तो अब बस यही रह गया कि हम सब वकार भाई से मुद्दबाना गुजारिश रिक्वेस्ट करें, इनकी बात से पाकिस्तान की टीम के साथ हार्ड लक थोड़ी सी है कि पहले जो चार बैट्समैन है वो थोड़े वीक हैं, पहले 10 बैट्समैन नहीं, पहले चार थोड़े वीक हैं की टेक्निक सही, नहीं नहीं आप पहले चार थोड़े वीक हैं और उसके बाद चार जो है थोड़े कमजोर है बेचारे। कसम से एक दफा इरफान को ओपनर भेज दे, क्या होता है? फर्क पड़ेगा? हाँ, भेजो और रन जब नहीं कर रहे किसको भेज दे। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, पिछ नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं जहूर रिजवी बात कर रहा हूँ, मैरीलैंड से। जी मैं सर, मैं काशिफ साहब से, डॉक्टर काशिफ साहब से बात कर रहा जा रहा हूँ। जी जी, सुन रहे हैं आप? मैं जहूर रिजवी बात कर रहा हूँ मैरीलैंड से। जी 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 साहब बात करें, डॉक्टर सुन रहे हैं आपकी बात। डॉक्टर साहब आप इन भैंसों के आगे बीन बजा रहे हैं। ये मिसाल रह गई थी आज की। जबरदस्त जी साहब, जबरदस्त। तो ये तो वो कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस पड़ी पकड़ाए। तो वो शहरयार साहब का बयान आपने सुनी लिया होगा जी। और जो ये जो हो रहा है मेरी समझ में तो वाकई ये नहीं आता कि ये वनडे खेलते हैं या टेस्ट प्लेयर रहेंगे। ये जो अजहर अली और शहजाद अहमद चार चार ओवर गुजर जाते हैं, चार रन बनाए, तीन रन बनाए, क्या है ये सब? पता नहीं रजी साहब, मगर आपकी मिसाल शानदार थी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, दिस इज वन ऑफ द फनीस्ट शोज एवर। गो अहेड, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कॉलर अपना नाम बताइए, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? गो अहेड जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं नासिर लॉस वेगस से बात कर रहा हूँ, आप कैसे हो? अच्छा नासिर भाई, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कॉल आ ही गया, मैं वेट कर रहा था जी, मैं इंतजार कर रहा था इतनी देर से कि लाइनें इतनी बिजी थी। अच्छा मैं कह रहा था, आई एम सॉरी, कि ये जो ये शोएब के लिए जो अभी बात की उन्होंने, ये मेरे ख्याल में वो लेडीज की टीम के लिए भी वो नामुनासिब है, उसको तो ब्लाइंड टीम में होना चाहिए। ब्लाइंड टीम है, ब्लाइंड टीम है ना, उसको तो बॉल ही नजर नहीं आती, उसको कतई उसको बॉल ही नजर नहीं आती है। अच्छा दूसरी बात मैं कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम का मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आए मैचेस का, तो मैं समझता हूँ पूरी टीम को अल्ताफ हुसैन के को टीम दे देनी चाहिए, जो कि एक बार लंदन से क्या के कुछ बोलता है तो पूरी एमक्यूएम उस पर अमल करती है, तो पूरी टीम उस पर अमल करेगी। मेरे ख्याल में वकार यूनुस का टीम पे कोई कंट्रोल नहीं है। नाज़िम भाई बहुत शुक्रिया, बात बड़ी सही की, अपेरेंटली डेस्परेट सिचुएशन रिक्वायर्ड डेस्परेट मेजर्स, आइडिया बुरा नहीं है यार भाई, कराची दे दिया तो 11 लड़के और दे दो, क्या हो गया यार? बात सही है, उसकी बात सुनते हैं लोग, वकार की बात कोई नहीं सुनता, बात बिल्कुल सही की आपने, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। This is okay. It's one of those shows. Hey, sir, ये एक हफ्ता चलेगा YouTube पाकिस्तान में। एक दिन याद रखिएगा। अब ये अब अल्ताफ की कमी थी, वो भी गुफ्तगू में आ गए। हुकुम। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, तो नाम बताइए, कौन से कॉल कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सानिया फ्रॉम न्यूयॉर्क। अस्सलाम वालेकुम सानिया, थैंक्स फॉर कॉलिंग।
I just want to say your show is awesome. और मुझे हर मंडे का इंतजार रहता है. And by the way, you are doing a great job. Thank you. Kashi bhai, this is for you. Thank you. Nisari, आपके लिए. अच्छा, इस शो की खूबसूरती जो है ना, यकीन माने सानिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. मेरी अंग्रेजी 9 to 5 होती है मंडे थ्रू फ्राइडे, वरना मैं भी अंग्रेजी में ही जवाब देता इसका. तो वो उसमें शो की खूबसूरती असल में आप जैसे अल्लाह ताला ने ज़बान में कुछ असर दिया, अल्लाह का एहसान है. और आपकी देखने का शुक्रिया, इसको पसंद करने का शुक्रिया. आपकी अगर आप लोग कॉलें ना करें, आप इंटरेस्ट ना शो करें, तो हम दीवारों से बातें करके घर चले जाएंगे. वी वुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द शो. ऑनेस्टली आई रियली फील कि वी आर लाइक 10% एंड 90% इज दैट्स एग्जैक्टली राइट. और उस 10% में 9% मैं समझता हूँ कि खुर्रम का अमल दखल है, क्योंकि खुर्रम जिस तरह से मेरे सख्त अल्फाज को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि बाद में रोता हूँ मगर उस समय नहीं. सही है, बाद में जो बात है वो है, जिस तरह से चीज़ों को ये लेके चलता है प्रोग्राम के दौरान, बड़े बड़े प्रोफेशनल नहीं कर पाते. आई रियली अप्रिशिएट इट सर, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द व्यूअर्स. व्हेन यू हैव अ स्लोअर शो, आई विल टेल द स्टोरी हाउ यू पुश मी टू डू दिस. मैं आपसे छुपता था आने से. अस्सलाम वालेकुम कॉलर, प्लीज अपना नाम बताइए और कहाँ से कॉल कर रहे हैं. गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम कॉलर, गो अहेड प्लीज. Okay, I think we lost that call. I feel bad. They probably on hold for a long time. Next caller. I'm sorry. Please call back. Go ahead. Next long caller. Please number tell me where you're calling from. Please, ab baat kare. Ji ji, baat kare. Unchi awaaz mein. Ji, assalamualaikum. Mera naam Saleem hai. Main Chicago se baat kar raha hu. Thank you, Saleem bhai. Mujhe doctor saab se ek baat ye puchni kehni thi ki suggestion ek. Dekhe team ke andar jo do log hote hain jo टीम को या तो बनाते हैं या तबाह करते हैं, कप्तान और कोच. तो अल्लाह के फजल से कप्तान के पास तो कोच है, तो क्यों ना वकार भाई के लिए भी एक कोच हायर कर दिया जाए. जब सलीम भाई, यार आपको मस्ती सूझी, हम लोग शौक मना रहे हैं यार. सच्ची बात ये कॉमेडी कर रहे हैं. सीरियस बात कर रहा हूँ. यू आर एब्सोल्युटली राइट. मैं कसम से बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूँ भाई. अगर वो हट ही नहीं रहे हैं तो उनको थोड़ा सिखवा दें. थैंक यू सलीम. Thank you, Saleem. Inke ghar Rangers bhej dein. That was awesome. If you were here, I would have given you a hug. Perfect. Okay. Assalamualaikum caller, please apna naam bataiye. Ab kahan se call kar rahe hain? Ji, Assalamualaikum. Main Mustansar bol raha hu Toronto se. Ji, Mustansar bhai. Ji, main Kashif bhai ko mashwara dena chah raha tha ki aap kyun apna program band karane ki koshish kar rahe hain. Aap jis tarah ki aap sachi sachi baatein kar rahe hain, aapka program band ho jayega kuch arse baad. Main yehi inko samjhata hu. Har match baad. जी, हर मैच बाद हम जैसे दिल जले, फिर कहाँ. सही बात है. बस पाकिस्तान 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 की टीम की परफॉर्मेंस बेहतर तो होनी नहीं जब तक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है हमारी टीम में. Absolutely. हमारी बेहतर कारकर्दगी नहीं हो सकती, और हम वही मैच जीत सकते हैं जिसमें दूसरी टीम बुरा खेलेगी. क्या बात, हम जीते ना बल्कि वो तो आप. हाँ जी, वो हारेंगे तो हम जीतेंगे, वरना तो और कोई उससे नहीं होता. बहुत शुक्रिया कॉल करने का और काशिफ भाई को एडवाइस करने का. जोकिंग असाइड, अच्छा आपको हमेशा कहता हूँ, हाथ हल्का रखे थोड़ा सा. अब तो यूट्यूब खुल गया है. काशिफ भाई लेते हैं नेक्स्ट कॉल. अस्सलाम वालेकुम कॉलर, नाम बताइए कॉलर प्लीज, आप कहाँ से कॉल करें. गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम कॉलर प्लीज, नाम बताइए कहाँ से कॉल कर रहे हैं. जी जी, अस्सलाम वालेकुम, बात करें, बात करें प्लीज. जी, मेरा नाम जाहिदा है और मैं ये एलए से बात कर रही हूँ. मुझे ये कहना था, जब तक हम टीम से ये वकास यूनस और ये नजम सेठी और जितना ये ट्रैश बाहर नहीं निकालेंगे ना, ये हमें ऐसे एम्बेरस करते रहेंगे हर तरफ. थैंक यू सो मच कॉल करने का. आई थिंक वी टोटली एग्री विद यू के वकार भाई से हाथ जोड़ के गुजारिश है. वकार भाई, आपकी गलती नहीं है, हमारी गलती है. हम गलत मुल्क में पैदा हुए. आपका स्टैंडर्ड जो है इंग्लैंड का है, ऑस्ट्रेलिया के बड़े लोग हैं. प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दें, आप यहीं और चले जाएं. अच्छा, मज़े की बात ये, एक सेकंड, वकार से मेरी ज़ाती दोस्ती बहुत अच्छी है, क्योंकि उनकी वकार की जो अहलियाँ हैं वो इमरजेंसी मेडिसिन की फिजिशियन है, रेजिडेंसी कर रही हैं, और वो पाकिस्तान में डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू कर रही हैं,
जो लाहौर से शुरू करें. wow. और इससे हम इस मौजू पे हमारी बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू. डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम एक होता है जिसमें कि वो जो आफात कुदरती आफात से निपटने इनिशियली जो टीम जाके डील करती है बहुत एंथुजियास्टिक हैं. वो बहुत नेक और बड़ी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली खातून है. वक़ार से मेरी क्रिकेट पे कभी बात नहीं होती क्योंकि उनको भी पता है कि मैं क्या कहूँगा और मुझे भी पता है कि वो क्या कहेंगे. अगली दफ़ा जब मैं मिलूँगा तो फिर इंशाल्लाह उनसे बस रिक्वेस्ट करें. हाँ, अभी मुलाकात होगी ना पीएसएल में मुलाकात होगी ना इंशाल्लाह. ओके अच्छा चलो. अस्सलाम वालेकुम कॉलर, प्लीज़ अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं, गो अहेड प्लीज क्वेश्चन शेयर करें. जी अस्सलाम वालेकुम, वाशिंगटन डीसी से वकार रशीद बोल रहा हूँ. आपका भी नाम वकार भाई, आप तो वैसे ही नाराजगी होगी, आपका नाम उनसे मैच करता है. आई एम किडिंग, गो अहेड प्लीज, आई एम जस्ट जोकिंग, गो अहेड प्लीज. नो नो, आई एम एम्बैरस के वो आप ये कह रहे हैं. एनी हाउ, शुएब मकसूद के मतलब ये कह रहा था, जस्ट आप ये वॉच करें कि व्हेन ही इज वॉकिंग टू स्टार्ट हिज प्ले, जब बैटिंग करने आता है तो वे ही इज वॉकिंग लेथार्जिक, जैसे एक नारकोटिक का एडिक्ट बंदा होता है. ही कैन नॉट इवन वॉक टू दिस क्रीज. एक तो बात, और दूसरी पॉलिटिशियंस के मतलब जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मेरे ख्याल में उनके दिल से ये आवाज निकलती है. और ऑनेस्टली पॉलिटिशियंस को तो हम खुद इलेक्ट करते हैं, हमारी कौम इलेक्ट करती है. तो व्हाई यू आर ब्लेमिंग द पॉलिटिशियंस, व्हाई डोंट यू ब्लेम द पब्लिक, जो एक रेडी वाला भी फ्रूट गला हुआ आपको नीचे रख के भेज देता है. सो नॉट टू ब्लेम पॉलिटिशियंस, हम अपने आप को ब्लेम करें जो इलेक्शन में उनको हम इलेक्ट करते हैं. ईच टाइम दे कम बैक. सुभान अल्लाह, थैंक यू भाई फॉर योर बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात. That was on the point. We're under a lot of pressure to take a lot of calls. We just have to take calls. मैं घर चला जाता हूँ, कॉल ले लो. I know. Assalamu alaikum caller, please आप caller अपने नाम बताइए, कहाँ से call कर रहे हैं. Go ahead please, question share करें. जी, my name is Imtiaz Sayed. जी Imtiaz भाई. I'm calling from New Jersey. Go ahead sir. I'd like to compliment you for the show. ये काशिफ साहब और खुर्रम, आप you're doing a great service to Pakistan and the Pakistan cricket. बहुत शुक्रिया. एक दो छोटे छोटे कॉमेंट्स हैं, एक स्टेटमेंट है. कल सिकंदर वक्त एंड यूसुफ द एक्स पाकिस्तान प्लेयर्स, दे हैड सेलेक्टेड अ टीम जिसमें कि ना अहमद शहजाद की जगह थी, ना सोहेब मकसूद की जगह थी, और एक दो और दे वॉन्टेड रिप्लेस के अनवर अली की बजाय राहत को खिलाया जाए, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी. And they predicted that Pakistan will lose if they don't play these games. Okay. So I don't know what's your take on it. Number two, I want to request Dr. Kashif, please ke aap hame apna number koi de dein. I'm going to start a petition on the Facebook, and how many signatures we want to requisition you to go and chair the पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, डॉक्टर काशिफ. ठीक है सर, ठीक है. आप हमारा, मेरा नाम, आप नंबर लिखें, नंबर लिखें, आप नंबर लिखें, ऑन एयर लिखें नंबर, कोई बात नहीं, लिखें नंबर. आप लिखें एक सेकंड, लेट मी भाई, एक मौका मिल रहा है किसी भी का सर. वी वांट टू स्टार्ट, वी वांट गाड़ी मिलेगी. जी जी, वी वांट टू स्टार्ट अ रिक्वेजिशन. आप लिखें, लिखें, लिखें. ये फिजिशियन आपको अपना नंबर दे रहा है, दैट्स वेरी रेयर. गो अहेड प्लीज. 832, हां जी नंबर दीजिएगा. 832 जबानी जमा खर्च से हटके उठ के, जी जी, 832-221-8072. अच्छा अच्छा, पहले नंबर तीन जो है वो 832 है. जी 832-221 8072. आप प्लीज, ये बहुत अच्छी बात आपने की. अल्लाह ताला हम सबको इस अमल में कामयाबी अता फरमाए, क्योंकि जबान से निकल के, अब जबानी जमा खर्च से निकल के अमली तौर पे कुछ करने का टाइम है. ये तो खैर मजाक की बात है, मेरा जाना या मेरा पीसीबी का सदर बनना, मुझे तो, मेरी तो घर पे कोई नहीं सुनता, बच्चे नहीं सुनते मेरी तो. पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट जो साइड पटिशन करके हम वकार भाई को और बहुत तीनों को हटा सकते हैं. आप हमें अपने शाना बचाना पाएंगे, हम सिर्फ जबानी जमा खर्च के ऊपर गुजारा नहीं करना चाहते, हम आगे अमली तौर पर भी इसको कुछ करना चाहते हैं. इंग्लैंड में पटिशन किए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बैन के लिए, फिर पार्लियामेंट में गपशप हुई थी. बिल्कुल. तो व्हाट कैन वी डू अ पटिशन टू रिमूव दीस थ्री पीपल. आई लव इट सर, समबडी टेक द लीड ऑन इट. वो हेल्प, वो फॉलो. स्टॉकहोम कॉलर. अच्छा, अभी कॉलर रोक, काशी भाई थोड़ा रुक जाएं, अब आ जाओ जरा सा मैच के ऊपर, अब थोड़ा कॉलर रोक देते हैं और आते हैं. हुआ क्या? हां,
नहीं, पूरी अब तक की सीरीज को समराइज करते हैं। दो प्रोग्रामों के पीछे चले जाओ, तुमने मुझसे पूछा था खुर्रम भाई कि क्या होगा, मैंने कहा था पाकिस्तान T20 भी हारेगा, पाकिस्तान वनडे भी हारेगा, आपने कहा नाजरीन ये व्यूअर्स पाकिस्तान जीते, याद आया आपको इंशाल्लाह याद आया, ठीक है। अच्छा क्यों कहा था, ऐसे ही नहीं कहा था, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कोई खुदा ना खास्ता जाति कोई मोहब्बत है, हमें मोहब्बत है। टेक्निक तो बाद की बात है, खेल आना बाद की बात है, असल मसला है माइंडसेट। खुर्रम माइंडसेट से जंगें जीती जाती हैं और जंगें हारी जाती हैं। मैंने 92 की मिसाल तुमको दी थी कि 1992 में पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान साहब जो हैं वो एक मीडियोकर टीम लेकर के अपनी कमर के इंजेक्शनों के डब्बे के साथ ग्राउंड में उतरते थे, चाहे वो ऑकलैंड हो, चाहे वो सिडनी हो, चाहे वो एडिलेड हो, और फिर आखिरी में मेलबर्न हो। लेकिन उस शख्स ने फ्रंट से लीड करके एक चीज करी, वो ये करी। हमारे यहां माइंडसेट ये है, जल्दी जल्दी कमाओ और जल्दी जल्दी भागो, दिस इज व्हाट इट इज। आप किसी भी क्रिकेटर को, अच्छा ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात एक साहब ने की थी और मैं उसके ऊपर कमेंट देना चाहता हूं कि मेरे जाती मरासिम है, और मुझे यकीन मानिए कुछ ऐसे मौके आते हैं जिंदगी में कि जिस पे मुझे शर्मिंदगी होती है कि मेरे जाती मरासिम हैं, और यकीन मानिए हैं जाती मरासिम अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी course, सालों के जाती मरासिम हैं, और एक से नहीं है, अगर आप लिस्ट बनाना शुरू करें तो माशाल्लाह पूरी टीम और एक्स टीम और एक्स से एक्स टीम। लेकिन शर्म आती है क्योंकि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा खाना, मेरा पीना सब मेरे अल्लाह के लिए। हमारी मोहब्बतें और ताल्लुकात, हमारे 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 मरासिम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, और अल्लाह के लिए जब होते हैं तो जब इंसान दूसरा दोस्त अल्लाह के लिए काम ना कर रहा हो, अल्लाह ने जो मुल्क दिया है उसके लिए काम ना कर रहा हो, तो ताल्लुकात में दरार पड़ जाती है, समझे। तो इस पे बात करते हैं, ब्रेक पे। वेल सेड, आई मीन इट्स वेरी हार्ड फेल्ट, आई मीन इट इज डेफिनेटली गुस्सा, कल के गेम में गुस्सा कम, दर्द दुख बहुत था। दर्द व्यूअर्स, वी नीड टू टेक अ कमर्शियल ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस, वी विल बी बैक इन कपल ऑफ मिनट्स, थैंक यू।